नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक का एक अध्याय आज पूरा हुआ। होली के दिन कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने पार्टी की सदस्यता ली है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस छोड़ते वक्त दुखी भी हूँ और व्यथित भी हूँ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा जाएंगे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही धुंधली तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। और एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कमलनाथ सरकार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के महाराज बनकर उभरे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में कभी राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज सकती है। 3:05 पर बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्रिया, उन्होंने अपने परिवार में स्थान दिया। सिंधिया बोले कि मेरे जीवन में 2 तारीख काफी अहम रही हैं। इनमें पहला 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, वो जिंदगी बदलने वाला दिन है। और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 को जहां जीवन में एक बड़ा निर्णय मैंने लिया है। सिंधिया बोले कि आज मन व्यथित है और दुखी भी हूं। जो कांग्रेस पार्टी पहले थी वो आज नहीं रही। उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कि वास्तविकता से इनकार करना, नई विचारधारा और नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। 2018 में जब एमपी में सरकार बनी तो एक सपना था, लेकिन वो बिखर चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर माफिया का उद्योग चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुझे एक नया मंच देने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी स्थापना की और विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उनके पौत्र हमारी पार्टी में आए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के सदस्य हैं, ऐसे में हम उनका स्वागत करते हैं। अब आगे की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर्ष चौहान को राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और आज मैं याद कर रहा हूं हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपने अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपने नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं।
लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।